जब वो ब्लैक साड़ी पहन के आएगी ना, नहीं तुम्हारे होश उड़े तो मेरा नाम बदलता, क्योंकि मेरे उड़ गए थे। अरे यार फर्स्ट सीन में मेरे को इसके सामने नंगा खड़ा कर दिया, टावल में था। ठीक है होल्ड योर हॉर्सेस, हमारे सारे सीन्स तो ऐसे होते हैं, ये ऐसे तो मेरे को दिखता ही सिर्फ वो है, मुझे उसके वो नाक के दो गड्ढे बड़े पसंद। Karan Kundra and Nagma Rizwan, whose web show It Happened in Calcutta is currently streaming on All Balaji and Z5, got candid with us and shared about the show, looks, co-star secrets and more. So let's roll. Finally, the look is out. Tell us about it. कितनी मुश्किलें होती है पता है, रोज इतनी सारी फोटोज खींच तो डाल नहीं सकते यार, फॉलोइंग गिर गई थी मेरी सोशल मीडिया पे इस चक्कर में। How has the response been? बहुत अच्छा response मिला। In fact, trailer जो हमारा teaser, trailer, song वगैरह जितना कुछ भी गया है, everybody is very excited about this show and that's exactly what we wanted. हमें मालूम था कि ये 60s, 70s की जो look है, जो feel है, जो color है, वो जब लोग देखेंगे promo में, if you've seen the promo, you've seen that, you know, story क्या है, look क्या है, war है, tragedy है. It's a great era to be in. How difficult was it to keep it a secret for you, Nagma? नहीं वो तो उन लोगों ने, मॉल बालाजी ने खुद मुझे ग्रैंड लॉन्च दे दिया था दीपिक ने, तो सबको पता चल गया था कि मैं मेरा फर्स्ट है एंड दैट दे फाउंड मी आफ्टर 2.5 इयर्स एंड एवरीथिंग, सो ऑलरेडी दैट वाज देयर एंड वंस दैट वाज आउट सो पीपल वर ऑलरेडी से मैसेजिंग मी, टेक्सटिंग मी, कांग्रेचुलेटिंग मी, वाओ इट्स ग्रेट न्यूज. और लुक कभी कभी मन करता था सारी वाली वही मैं आ रहा था वहां पे, बहुत अच्छा जवाब तो दिया तुमने, बट अब सच सच बताया कितना दिल करता था इसके प्रोफाइल, ये साड़ी की पिक्चर्स, इसके मॉनिटर की पिक्चर्स, ये वो सब कुछ कितना, और मेरे पास बहुत सारे, बहुत सारा सामान है, BTS pictures बहुत सारे हैं. Now that you are the one who has been finalized after finding someone for 2.5 years, how is the pressure like? I don't know, वो तो अब पता चलेगा, अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला है, दैट यू नो सिंपल है, स्वीट है, और मुझे परफॉर्मेंस के बारे में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो अभी पता चलेगा. How was it working with someone who's so experienced like Karan? Amazing था. Hi. Karan is वो तो सबको पता है that he's very supportive as a co-actor. So yeah, it was very amazing. It was like he was helpful on the set. So लग नहीं रहा था कि ये सीनियर, मतलब पता चल रहा था कि he was there for me because he knew कि ये मेरा first है. First impression of each other? Depression about each other? तो जब मुझे मुझे रात को 3:30 बजे मैसेज आया कि भाई नगमा रिजवान करके एक लड़की है जो कि लॉक हुई है, और फिर मैंने क्रिएटिव बालाजी में तो मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे साहब मेरे भाई बहन है वहाँ पर, तो मैंने अच्छा मुझे उसका वो बता, इंस्टाग्राम बता, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम का लिंक भेजा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जाके इसको स्टॉक किया पूरा, और फिर मैंने एक इसकी वीडियो देखी सारी में, मैंने कहा हाँ ये सभी मुझे लगता है इसी चक्कर में ये कास्ट हुई है, क्योंकि लाइक एट दी एंड देयर वर 1000 ऑडिशंस जिसमें से 300 लड़कियां फाइनल हुई थी, उसमें से एक लड़की चूज हुई थी, एक का नाम है सो पर्टिकुलर, और ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोगों ने, तो मेरे इंडस्ट्री में जितनी फ्रेंड्स हैं, कंटेम्प्रेरीज हैं, सब ने मुझसे तो बात कर ली थी कि यार हम लोग भी ऑडिशन कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, क्या है कलकत्ता का सीन, देयर वर सम फिल्म एक्टर्स ऑल्सो हु आई नो जिन्होंने वो किया था, सो आई वॉज लाइक अच्छा इन सबको पीछे छोड़ के अगर ये लड़की आगे निकली है तो ऐसा क्या है. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो ये नीचे बैठी हुई थी और मैं ऊपर आया था कैंसर के घर पे, और मैं इसको हक करने का एकदम से उठी, मैंने कहा सर मेरे यहाँ पे बच जा, और मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, इट हैपेंड बिफोर कैलकटा. माय इंप्रेशन अबाउट करण वाज वंस आई स्टार्टेड टू नो हिम ऑन सेट एज एन एक्टर, आई रियलाइज्ड हाउ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग ही इज, सो वो मुझे काफी मोटिवेटिंग लगा, इंस्पायरिंग लगा कि काफी हार्ड वर्किंग है, सो माय इंप्रेशन वाज सही है, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं कल करण को जानती नहीं थी एक्चुअली उतने अच्छे से कि वो कैसा है क्या है, बट और जब मैं मिली तो मुझे काफी चिल लगा, चिल था. देखो मैं 2500 लड़कियों में से सिलेक्ट नहीं होके आया था, ये आई थी तो एयर इसको होना चाहिए था. Nagma, how was the moment when you first faced the camera? मुझे तो पता नहीं था मार्क क्या होता है, लाइटिंग कहाँ क्या होता है, बाल कहाँ रखते हैं, मतलब कैमरा फेस करना कुछ भी नहीं पता था, सो फॉर मी एवरीथिंग वॉज वेरी न्यू राइट, सो तो वो समझ रही थी, मैं पहले तो बहुत गलत जगह पे जाती थी, लाइक आई यूज टू गो ऑन द रॉन्ग मार्क, लाइटिंग नहीं आ रही, बट एवरी वन वॉज सो स्वीट फ्रॉम द DOP टू द डायरेक्टर एवरी वन, बिकॉज दे न्यू कि चल लड़की का फर्स्ट है, सो दे वर हेल्पिंग मी एंड आई वॉज ऑल्सो सीकिंग हेल्प, आई वॉज लाइक मुझे बताओ मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, तो करते करते आ गया एंड फर्स्ट टाइम दिस एक्टिंग वॉज
I was excited. Yeah, I think with Karan as an actor, he doesn't go by line, script wise. He goes in the character, he understands the script, he understands usko aisa nahi hai ki usko jo mil gaya wo karna hai. He understands what it is, wo ghus jata hai andar. So this was, I realized this at the very beginning. So ye maine isse seekha. Aur kaafi kuch seekha hai waise to. Karan, how was the preparation for the character getting in the feel of 80s? So the prep was actually a lot of thinking ki un zamanon mein kya hota tha. Aaj ki hamari jo life hoti hai wo hamare फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, हमारे पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, हमारी मैगजीन्स हम जो पढ़ते हैं, जो कुछ ट्रेंड हो रहा होता है उससे इन्फ्लुएंस होती हैं, हम क्या गाड़ी चलाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कौन से गाने सुनते हैं, किस तरह से अपने बाल बनाते हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं से लेके आते हैं. तो मैं सो फॉर मी इट वॉज ऑल अबाउट गोइंग इन टू द 60s एंड थिंकिंग कि क्या हो रहा था उस टाइम पे ज़माने में. एक पीस मूवमेंट चल रही थी, हिप्पी मूवमेंट चल रही थी, यहाँ पे पंचमदा चल रहे थे, वहाँ पे एल्विस चल रहा था, बीटल्स हो रहा था, गाड़ियाँ वो वाली होती थी, लड़के लड़कियाँ क्या करते थे, हैंग आउट करने के लिए क्या करते थे, कौन सी स्पोर्ट्स खेलते थे, कैलकटा कैसा होता था, कौन सी मैगजीन्स होती थी, यू नो कपड़े कैसे होते थे, लाइंस क्या होती थी उस टाइम पे, कूल लाइंस वगैरह, कि अपने मॉम डैड को क्या बोलते थे. सो फॉर मी अ लॉट ऑफ दैट वॉज जस्ट अबाउट थिंकिंग उन जमानों की फिल्में, उन जमानों के सुपरस्टार्स, उन जमानों के सिंगर्स, उन जमानों के बुक्स, यू नो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ट्रैवल, तो वो सब मैंने देखा है. एंड इट वाज प्रीटी कूल. वन कॉम्प्लीमेंट यू हैव नॉट गिवन टू योर को-स्टार. बता नगमा, बता दे मुझे कॉम्प्लीमेंट एक अच्छा सा. मेरे हुस्न, मेरे बाल, मेरी स्किन. करण क्या था, काफी अच्छी है. ओह, ये तो कभी नहीं कहा तुमने. ओह माय गॉश. मैं तो कर देता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो देवन से बता दे रहा सब कुछ. मैंने एक्चुअली बता दिया था, मुझे पता नहीं, सीक्रेट तो नहीं है वैसे. आँखों वाली बात नहीं उन्हें बोली थी. नहीं नहीं नहीं, काफी बार बोला है. हाँ, बट मैंने भी सब कुछ बोल दिया था. इतना इसके इसके नाक पे गौर करें, इसके नाक पे ना यहाँ पे दो छोटे छोटे गड्ढे पड़ते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं. और मुझे बड़े पसंद है, और हमारे सारे सीन्स तो ऐसे होते हैं, ये ऐसे तो मेरे को दिखता ही सिर्फ वो है, मुझे उसके वो नाक के दो गड्ढे बड़े पसंद है. If you had to ask your co-star something now, what will it be? Yeah, हम 9 महीने से एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमने सारे random, serious सब questions पूछ लिए हैं, कुछ नहीं बचा. आपने हमारा poster देखा? आपने promo देखा? आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई हिचकिचाहट बची है? हाँ, पता है कितने retake होते हैं kissing scene के, कितने होते हैं? कोई हिचकिचाहट नहीं बची है. पनीर क्यों नहीं पसंद है? ये था तेरा question? यही है अभी तो. अच्छा, क्योंकि उस दिन मैं गालियां दे रहा था पनीर खाते हुए को. क्या लड़की है यार ये, मुझे पनीर पसंद नहीं है. क्योंकि पनीर कौन खाता है, बिल्कुल चिकन आता है रोज. उसने उस दिन गलती से पनीर भेज दिया मेरे लंच में, तो मैं गालियाँ दे रहा था. पसंद है पनीर, चिकन से ज़्यादा नहीं. ये क्वेश्चन था तेरा? ये लड़की बहुत क्यूट है, अच्छे अच्छा लगा. मैं तो पूछ लेता हूँ कुछ. नहीं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये नहीं पूछ सकता, सॉरी. बट अच्छा है, मेरे दिमाग में कुछ आया. फर्स्ट सीन यू शॉट टुगेदर. अरे यार, फर्स्ट सीन में मेरे को इसके सामने नंगा खड़ा कर दिया, टावल में था, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस. तो और बेचारी, एक तो फर्स्ट डे उस पे, एंड देन यू नो अभी हम लोग तो अब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, आपको पता है कि अब आपको हक भी करना होता है, यू नो. बट नॉर्मल लाइफ में आप लोगों को हक करते फिरते नहीं हो, वो बिना शर्ट के तो वैसे भी नहीं करते हो. तो बेचारे को आके हक करना था, तो बहुत कॉन्शियस हो रही थी, बहुत शाय भी हो रही थी. बहुत ही क्यूट सीन था. एक वो मेरे बॉयज लॉकर रूम में घुस जाती है, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा होता है, और वो आके ऐसे, फिर वो देखती है कि वो नेकेड है, फिर वो ऐसे करती है, फिर वो देखती है, फिर ऐसे करती है, फिर वो बेचारी उसी के ऊपर आके गिर जाती है. सो वो बहुत ही फनी सीन था. और मेरा पूरा मेकअप था बॉडी का जो उसके व्हाइट सूट पे लग गया था, तो अजीब लग रहा था. Who ended up laughing in the middle of a serious scene? I don't think so. Who slept on sets between shots? Nobody. We are too wired. Yeah. Who is never satisfied in one take? I think Nagma us zone mein nahi pahunchi hai, because she's very trusting towards the director and the actor. Kabhi kabhi mere ko bolna padta hai. I remember doing this Nagma ek aur take. So she's like, "Acha, main de do." She's very obedient. Obedience, she's very she's willing to take, and she has no egos as such. So wo wala scene to hai. Main to first take. Who wanted maximum touch-ups? None of us. थोड़ा मेरा जबरदस्ती वाला मामला है, क्योंकि मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो थोड़ा बदमाश किस्म का है. पिछले 10-12 साल से मेरे साथ है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता. मेरी तरफ भूत है.
Lastly, message to the viewers. So yeah, it happened in Calcutta. का आपने promo देखा है, आपने लाखों लाखों views दिए हैं, comments दिए हैं. We are very very happy and very grateful. Whatever we are today, whatever she will be tomorrow is because of you. So please, एक बार chance देना episode देखने का. We will not disappoint you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, I am Karan Kundra and you are watching me on India Forums. पिछले 11 साल से लगातार. Hi, I'm Nagma Rizwan and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums, addiction at its best. Simran Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.